नमस्कार पिला माने जय जगन्नाथ शुभ सकाल समस्त को शुभ सकाल रा गुटी नुवा क्लास रे मु सौम्य पुन थरे शिवानंद पटनायक संग यूट्यूब चैनल ले ढेर सारा स्वागत करछि तमन क्राक को बहुत सारे एग्जाम आसी से सीजीएल हे गला बा आरए एआरए अमिना हे जो बा सीएचएसएल रे एग्जाम हे जो बा हाई कोर्ट एस हो जो सब एग्जाम पई वन स्टॉप सॉल्यूशन जीके रे तमन को कहि परिबे तमन ढेर सारा प्रैक्टिस करो जीके सर मन रहबो किंतु प्रैक्टिस सारा आज थरो ए सेशन टी आरंभ रहिला एवं जदि तमन को भलो पाई परिला ए सेशन टी निहात रूप रे कंटिन्यू रहबो ताला देरी करबानी आज सेशन टी को स्टार्ट करबा जो मन आसलनी रे जल्दी जल्दी टी आज सेशन टी को चल प्रथम क्वेश्चन तुम स्क्रीन पर ऊपर पिला माने व्हिच सीड इज सीक्रेटेड ड्यूरिंग द एंट एंड नीटल स्टिंग ओटा पिला माने एंट और नीटल स्टिंग रूप पिला माने सीक्रेट हिता बोली को एसिड कोई छी सर एसिटिक एसिड हिता साइट्रिक एसिड हिता मेथियोनिक एसिड हिता त लैक्टिक एसिड हिता बाबू कोई को जल्दी जल्दी को सामे कोन कथा कहि परबा सामे मिथियोनोइक एसिड रो कथा कहि परबा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर प्ले बाबू मन रखि त मिथियोनोइक एसिड जगह रे तमान को फॉर्मिक एसिड मध्य दे पारे कोन दे पारे बाबू फॉर्मिक एसिड बिल दे थाए ताले तमान कंफ्यूजन होबनी मिथियोनोइक एसिड फॉर्मिक एसिड दिटा को समान बोली कहि परबो बा जदि सिंबल तमान को मात्र पचला एच सी ओ ओ एच बोली तमान कहि परबो एच सी ओ ओ एच बोली कहि परबो मिथियोनोइक एसिड फॉर्मिक एसिड हे जो बा एच सी ओ एच दो एंट रो बा नीटल स्ट्रिंग रे थाए बोल तमान कहि परबो गोटे एसिटिक एसिड अच्छी एसिटिक एसिड अच्छी तुमको जब पचार था सर एसिटिक एसिडा कौन अच्छी तुम कौन कही था सर एसिटिक एसिडा आम भिनेगार अच्छी कहीपर सर कौन अच्छी भिनेगार अच्छी कहीपर बाबू ये गोटे साइट्रिक एसिड अच्छी साइट्रिक एसिड सर तो खटा जिनस खटा जिनस साइट्रिक एसिड कौटी सर लेंबू अच्छी कहीपर लेमन अच्छी सर विटामिन सी थाए विटामिन सी थाए कहीपर विटामिन सी थाए कहीपर से तुमको ग्रेप्स रहा पचार था सर अंगूर रहा पचार था कईार कथा पचार खटा जोड़ाक लगी था पाला सर टक्टरिक एसिड थाए पार टक्टरिक एसिड थाए आमेंपर पे मैंने सर जो अमृतभंडा अच्छी सर पापाया अच्छी क्या कथ कहीपर पापाया अच्छी सर पापाया कौन अच्छी पापाया सर आम मालिक एसिड अच्छी पापाया पापाया कंटेन्ट मालिक एसिड बोलीपर मालिक एसिड बोली तुमने कहीपर एसिड रू क्वेश्चन बहुत सारा आसी था तुमको एल एक्जाम देखी जो आगे आसता सब एक्जाम आसपे पे चलते आगे जावा क्विच अफ दि फलोइंग द हाएस्ट आवर बेस्ट वे टू द स्पोर्ट्स पर्सन जी सब खेल क्षेत्र में क्रीड़ा क्षेत्र में सब सर को अवार्ड दिया जाए अर्जुन अवार्ड दिया जाए द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाए मेजर ध्यानचंद खेलरत्न अवार्ड दिया जाए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाए जी सब हाएस्ट अवार्ड सब हाएस्ट अवार्ड रहा पचारा जमी सिविलियन क्या पचार था बाबू आम समस्त जानी जब सिविलियन क्या पचारा तो भारत रत्न रहा कहीपर भारत रत्न रहा कहीपर तुमने समस्ते जानते बाबू कि तुमको ये पचार क्रीड़ा क्षेत्र में क्रीड़ा क्षेत्र में सर क्या कथ कह मेजर ध्यानचंद अवार्ड पे रिसे टाइम गला इयर पे जो पचरे जाइए पे समस्त जानते मेजर ध्यानचंद अवार्ड किए पाते स्वातिक आउ चिराग रेड्डी कथा तुमने कहीपर द्रोणाचार्य अवार्ड सर क्या दिए कि द्रोणाचार्य अवार्ड पे बेस्ट कोच पे जी सब भल कोचिंग गुरु जी भल शिक्षादान द्रोणाचार्य अवार्ड दि जाए कहीपर मेजर ध्यानचंद खेलरत्न अवार्ड पे मेजर ध्यानचंद खेलरत्न अवार्ड रहा तुमने कहीपर जदि या कौटू उकानबे बयानबे दिखाई नाइंटी नाइंटी वन नाइंटी टू रु दिखाई नाटा पे कौन कर आगु थिला सर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कौन थिला रे बाबू राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड थिला बोली कहि परबो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड थिला बोली कहि परबो एबे जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में मते कमेंट करो ए मेजर ध्यानचंद अवार्ड रो प्रथम रिसिपिएंट हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट प्रथम रिसिपिएंट बा जहा का गुरु राजीव गांधी अवार्ड बोली हमरे कहुतले बोल त माने कहि परबो चलो परवर्ती क्वेश्चन को बुझि पाले क्वेश्चन आगु जिबा प्ले इन इन एन इकोसिस्टम द ऑटोट्रॉप्स ऑक्युपाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक लेबल को ट्रॉपिक लेबल ले सर ऑटोट्रॉप का को कोंति मते कोरे ऑटोट्रॉप जे निज खाद्य ऑटो बिले जे निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारे ता ऑटोट्रॉप कहि था निज तो खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारे ताले कोथि रहइबो सेकंड ट्रॉपिक लेबल ले फोर्थ ट्रॉपिक लेबल ले थर्ड रे ना फर्स्ट रे सर निहात रूप निज खाद्य जे निजे प्रस्तुत करछि ताको हमें फर्स्ट ट्रॉपिक लेबल ले रखिबा बोली कहि परबो फर्स्ट ट्रॉपिक लेबल ले रखिया बोली कहि परबो सर सेकंड रे जे रहइबो किए सर हमर कंज्यूमर रो कथा कहि परबा सर प्रोड्यूसर हे गला को हमें कोन तो ऑटोट्रॉप को सर प्रोड्यूसर बोली कहा जाता है प्रोड्यूसर बोली कही थो कंज्यूमर पिला माने सेकंड ट्रॉपिक लेवल रे रहिला बोली तमाने कही परिबो तापर फर्स्ट कंज्यूमर रहिबो सेकंड लेवल कंज्यूमर रहिबो ए बडी बापरे जाई थे बोली तमाने कही परिबो आगु बड़ सर ग्रीन टी हमर जो कोन ग्रीन टी पा जो गछ कथा कही परिबो प्रोड्यूसर रो अंतर्गत आसी था जिबा आगु बडी चलो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड नोन एज सॉलिड रे जो हमरो
हिट र ट्रांसफर होता है हिट जोटा ट्रांसफर होता है गोटे मीडियम रू अन्य मीडियम को बाइट तो मानक सीधा सड़क सलीड रहा देखी सलीड रे जो हिट ट्रांसफर होता है से प्रोसेस को बाबू आम कौन कही है रेडिएशन बोली कही है इनसुलेसन बोली कही है कन्वेक्शन बोली कही है कंडक्शन कंडक्शन बोली कही है कौन कही है कंडक्शन बोली आम कही है ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर आम सलीड रे जितने हिट ट्रांसफर होता है उताप ट्रांसफर होता है आम कंडक्शन बोली कही है तुमने कही पार बाबू जो फ्लुइड रे हो जो लिक्विड हम जो फ्लुइड रे हम आम कौन कह जो फ्लुइड रे हाँ आम कन्वेक्शन कहूँ कन्वेक्शन तो कहीपर जो आम इभी रे भितर हम जो इभी वेव मध्य हम ताको आम कौन कही है रेडिएशन कही है रेडिएशन कही है तुमने कहीपर जो सर ग्लास हम ताको आम कौन कह जो गोटे ग्लास मीडियम मीडियम टा कौन सर गोटे ग्लास अच्छी गोटे काच अच्छी सर आम कौन कह इनसुलेटिंग कही है इनसुलेसन कही है इनसुलेसन कही है इनसुलेसन कही है मन पका बार बार रिभाइज कर आगे चल सर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ द्राविडियन लैंग्वेज फैमिली कोटा गोटे द्राविडियन लैंग्वेज फैमिली रो अंतर्गत बोली कही पार सर गुजराती हेगला तेलुगु हेगला आसाम हेगला पंजाबी हेगला कोटा कहवा द्राविडियन लैंग्वेज रो ऑप्शन बी हम सठिक उत्तर तेलुगु लैंग्वेज टा आमर गोटे द्राविडियन लैंग्वेज बोली तुम मैंने कही पार व्यतीत आम क्या कथा कही पार मलयालम कथा कही पार मलयालम कथा कही पार सर तमिल कथा कही पार क्या कथा तमिल कथा कही पार तोड़ो कथा कही पार कानाडार कथा कही पार ये सब आम द्राविडियन लैंग्वेज रो पार्ट बोली तुमने कही पार सेमती पचार था सर इंडो आरियन लैंग्वेज कौटा इंडो आरियन लैंग्वेज कौटा इंडो आरियन लैंग्वेज इंडो आरियन लैंग्वेज कौन था सर वेद कौन लिखाई है मन पका वैदिक पीरियड रहा वेद कौन लिखाई है संस्कृत में लिखाई वेद आम संस्कृत में लिखाई है तुमने कही पार यूर पे अपभ्रंश हई 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 धीरे धीरे संस्कृत रू पे हिंदी कहले संस्कृत रू हिंदी कहले पे बर्तमान सब अधिक कह जो भाषा सर बेंगली यूर आसा कही पार सर आम ओडिया कौन आसी ओडिया अपभ्रंश होती इंडो आरियन भाषा अपभ्रंश होती आम ओडिया आज पहुंचे कही पार द्राविडियन भाषा में तुमको कहली सर आम तमिल होगा तेलुगु होगा कन्नड़ होगा तोड़ होगा मलयालम होगा ये सब भाषा आसीज कहीपर जो विशेष भाव में आम साउथ इंडिया व्यवहार करमती जो वैदिक पीरियड में इंडो आरियन मान द्वारा व्यवहार कर संस्कृत भाषा जो थे आम वेद मान लिखाई सब ओल्डेस्ट भाषा आम ऋग्वेद कोईपर वेद केत प्रकार सर वेद आम चार प्रकार अच्छी ऋग्वेद अथर्वेद सामवेद और यजुर्वेद कथा तुमने समस्त जाच से संस्कृत भाषार ना धीरे धीरे अपभ्रंश होकर लोक कथा धीरे धीरे बदली 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 सर हिंदी हिंदी बेंगली कथा कही पार्टी जो अधिक कथ हो पाने ओडियार कथ आम कहीपर ए सब आम पहुंच सारे बोली तुमने कहीपर बिहारी भाषा तुमने कहीपर बहुत बढ़िया कथ बिहारी भाषा तुमने कहीपर चलतु आगुआ जीवा सर जीवा द ब्रोंज डांसिंग गर्ल कौन सारे पचारा द ब्रोंज डांसिंग गर्ल वाज डिस्कवर्ड फ्रम व्हिच ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन कथा तो समस्त जाच क्या कथा इंडस वैली सिविलाइजेशन कथा तुमको पचार जो आमको ब्रोंज रो डांसिंग गर्ल मिलता पे ब्रोंज रो डांसिंग गर्ल मिलता सर पुरोहित मूर्ति मिलता सर आउ अन्य सब मिलता कहीपर कौट बाहर सर आम महेंजोदार बाहर कहीपर महेंजोदार बाहर ऑप्शन ए हम सठिक उत्तर सर आउ कौन बाहर सर इटे ग्रेट बाथ बाहर गेट बाथ बाहर कहीपर जदि तुमको ये क्वेश्चन पचार था सर ये हूँ इंडिया बाहर भारत बाहर थिबा सबुठ बड़ साइट महेंजोदार कथा कहीपर सर महेंजोदार को आम माउंट ऑफ डेड बोली कही था महेंजोदार को माउंट ऑफ डेड बोली कही था माउंट ऑफ डेड बोली आम कही था बोली तुमने कहीपर सेमती आमर इंडिया भितर जोटा सब बड़ साइट भारत मध्य सब बड़ साइट से कौन कहीपर भारत मध्य जोटा सब बड़ साइट दैट इज नोन आज राखी गड़ी से आम राखी गड़ी कहीपर राखी गड़ी बोली कहीपर मन रख भारत बाहर सर महेंजोदार जहाँ आम माउंट ऑफ डेड बोली कही जो सर आम ग्रेट ग्रेनेरी बाहर जो ग्रेट बाथ बाहर जो ब्रोंज डांसिंग बाहर कहीपर सर स्वस्तिकर सिंबल सर जो बाहर सर आम पुरोहित प्रिस्ट जो बाहर तुमने कहीपर घर आगे सर नरकू बाहर तुमने कहीपर एत सारा बाहर बोले तुमने मन रखी पार पिले क्लीयर है जीवा आगे बढ़िया किंतु जब इंडिया भितर पचार राखी गोटर कथ तुमने कहीपर आगे सर चलतु द यूनाइटेड नेशन सिक्यूरिटी काउंसिल कनसीस्ट अफ हाउ मेनी नन परमानेंट मेम्बर पिले मन रखी तो ये कौन पचार नन परमानेंट अर्थात आम कहीपर अस्थायी कथ तुमको पचार जोटा यूएनएससी अच्छी क्या कथ पचार यूनाइटेड नेशन सिक्यूरीटी काउनसिल यूएनएससी अच्छी यूएनएससी नन परमानेंट मेम्बर के जन सर पांच जन ना
आठ जन ना सात जन ना दस जन नॉन परमानेंट मेंबर बाबू एठी मते आको कहिले रे परमानेंट मेंबर के जन सर टोटल मेंबर के जन टोटल मेंबर संख्या जदी पचारला टोटल मेंबर होचंती 15 जन 15 जन तन्मध्यरु 5 जन होचंती स्थायी सदस्य 5 जन कोन स्थायी सदस्य अर्थात मु तमान को कहिले परमानेंट बोली कहि पारिबो आ के जन रहले ए 10 जन 10 जन को कार्यकाल केते वर्ष ए माने सर नॉन परमानेंट मेंबर अर्थात अस्थायी सदस्य ए मान को कार्यकाल केते वर्ष सर 2 वर्ष बोली कहि पारिबो 2 वर्ष बोली त कही पारिबो 15 जन रु 5 जन एवं 2 जन सर हेडक्वार्टर कोठी अछि सर न्यूयॉर्क रे हेडक्वार्टर अछि कोठी सर हेडक्वार्टर अछि न्यूयॉर्क रे आरो मुख्यालय बा हेडक्वार्टर अछि बोली त माने मन रखि पारिबो बुझि पाल चलन त आगु को जीवा सर हु अपॉइंट्स द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशन चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशन को के हमर नियुक्ति देथांथि सर हमर प्रधानमंत्री बा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नियुक्ति देथांथि सर यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियुक्ति देथांथि सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियुक्ति देथांथि सर नीति आयोग रो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्ति देथांथि के देथांथि सर गोटे आमर परवर्ती समय रे लागिला सत कथा आमे जानि छी सर चीफ इंफॉर्मेशन कमिशन जे हमकू मुख्य सूचना आयोग जाको आमे कहि पाइ के नियुक्ति देबे रे बाबू सर नियुक्ति हमर देबे सर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हमर नियुक्ति देबे ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर राष्ट्रपति नियुक्ति देबे बोली त माने कहि परबो के देबे रे राष्ट्रपति नियुक्ति देबे बोली कहि परबो हमर गोटे आर्ट आसला सर राइट टू जाको आमे कोन कहिता समस्त व्यवहार करछे राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट आरटीआई एक्ट केबे आसला सर आरटीआई एक्ट 2005 मुसे आसला 2005 मुसे रे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट समस्त को सूचना पाइबार अधिकार अछि समस्त पाखरे एटा अधिकार अछि बोली 2005 मुसे रे सरकार को द्वारा नीति निर्धारण करा देखिया बोली कहि परिबो तार द्वारा कहा गला राष्ट्रपति भारत वर्ष रे जने चीफ इंफॉर्मेशन कमिशन मुख्य सूचना आयोग को नियुक्ति करि परिबे जिबा आगु करि बाबू चलंतु इन व्हिच कंट्री आर ऑल नोबेल प्राइज एक्सेप्ट नोबेल पीस प्राइज केवल नोबेल रो शांति पुरस्कार को छाड़ी आ सबुतक प्राइज से जगह दिया जाए कौट दिया तुमको कही पार कौ जगार क्या छाड़ी नोबेल पुरस्कार को छाड़ी आउ सब दिजो सर दुईटा जगह मन रख नोबेल नोबेल प्राइज रसले क्या कथ आसला नोबेल प्राइज रसला सर मन में तो तुमको असुमारी क्वेश्चन थी सर नोबेल प्राइज रहा आसव से मन रखी था दुईटा जगह नोबेल रेते सब अवार्ड दिया जाए से तुमको कौ कौ क्षेत्र में सर लिटरेचर क्षेत्र में लिटरेचर क्षेत्र में बा जहाँ को आम लिटरेचर रहा कही था साहित्य रहा कही था आम भारत जो थे सर्वप्रथम अवार्ड पाई सर कि लिटरेचर भितर भारत फास्ट अवार्ड पाई पे मैंने केवे पाई 1913 मसीह पाई किए पाई सर आम विश्वगुरु रवींद्रनाथ टागोर रवींद्रनाथ टागोर को कथा कहीपर कौन पाई सर गीतांजलि पाई गीतांजलि पाई गीतांजलि गीतांजलि पाई बोली तुमने कहीपर बोले सर कौटी अवार्ड ताल दिजो सर ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर स्वीडन में दिजो सर ताले मत कहतु ये जो नोबेल रो पीस प्राइज अच्छे नोबेल रो शांति पुरस्कार अच्छी शांति पुरस्कार सर कौट दिजो नरवे दिजो नरवे दिजो बोली तुमने कहीपर शांति पुरस्कार नरवे आउ जितक सर लिटरेचर हो गला फिजिक्स हो गला केमिस्ट्री हो गला आउ जितक अवार्ड रहा पे से सब को मेडिसिन कथा हो गला से सब को आम कौट दिजो नोबेल रो प्राइज स्वीडन में दिजो शांति पुरस्कार आम कौटी दिजो नरवे दिजो मन रखी तो प्रथम शांति पुरस्कार विजेता प्रथम शांति पुरस्कार विजेता होती हेनरी डोनाट हेनरी डोनाल्ड कथा कहीपर हेनरी डोनाल्ड सर किए कि हेनरी डोनाल्ड होती आम जो रेडक्रस नाम गोटे संस्था अच्छी ना जार रेडक्रस प्रतिष्ठा दिवस मे मस 8 तारीख में पालन होता है गला किसी दिन तेज़ पालन होता पे दुई मस ते से तार हूँ प्रतिष्ठाता कहींपर आउ संस्था हिसाब से जो रेडक्रस अच्छी संस्था हिसाब से सबुठ अधिक थर पे कौन पाई नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार पाई जदि तुमको पचारे भारत रू सब यंगेस्ट नोबेल भारत रू छाड़ दियो तुमको जब पचारे सब यंगेस्ट पे किए पाई सब यंगेस्ट किए पाई यंगेस्ट पे किए पाई सब यंगेस्ट पे किए पाई तुमको जब पचारा मन रखी तो यंगेस्ट पे आम पड़ोशी देश सरी पड़ोशी राज्य सरी पड़ोशी देश कथ कहीपर आमर मलाला यसुफ फजाई मलाला यसुफ फजाई क्या कहीपर मलाला यसुफ फजाई कथा तुमने कहीपर ये हूँ पाकिस्तान पे जे सब कम बयस वर्ष से 17 वर्ष के 2014 मसीह 2014 रे 17 ईयर रे पिला माने मलाला यसुफ फजाई पाई थे बोली तुमने कहीपरिबो सर इंडिया रे कथा टिके कहि दियंतु सर इंडिया रे कथा टिके कहि दियंतु आमे टिके मन रखि थौ इंडिया रे कथा रे लिटरेचर रे प्रथम पाई थे 1913 मसीह रे रवींद्रनाथ टागोर पिला माने तापरे 1930 मसीह रे आमर फिजिक्स क्षेत्र रे को क्षेत्र रे फिजिक्स क्षेत्र रे पाइले सीवी रमण मन रखि थियो रे बाबू सीवी रमण पिला माने 1930 मसीह रे पाइले देन 1968 मसीह रे मेडिसिन क्षेत्र रे पिला माने मेडिसिन क्षेत्र रे पाइले हरगोविंद खुराना
के पाइले रे हर गोबिंद खुराना पाइले बोली कहि परियो हर गोबिंद खुराना पाइले बोली कहि परियो एवं 2019 मसिया 2019 ने पिला माने जे रिसेंट टाइम रे पाइथिले इकोनॉमिक्स रे अर्थनीति रे पिला माने अभिजीत बनर्जी बनर्जी को कथा कहि परियो अभिजीत बनर्जी को कथा नोबेल अछि ना अल्फ्रेड नोबेल पिलामन तांकरी नारे हिं आसी अल्फ्रेड नोबेल को तो समस्त चिन्थियो पिलामन जे डायनामाइट बाहर करथले कोन बाहर करथले रे डायनामाइट बाहर करथले समस्त तथ्य तमर नोबेल प्राइज बाबत रे दे देले पिलामन क्लास गुटी रे गुटी पिलामन कहि परियो जदि एमितिया कंटेंट पढिबा को चाहौछ मोर गुटी बैच पिलामन बे पेड बैच चलछि जोटा सीजीएल रो मेंस पई पिलामन तमन को देखै रखिबा को चाहिबे बा कहि रखिबा को चाहिबे जोटा होछि शिवानंद पटनायक सरकर एप्लीकेशन ने पिला माने जाउछ बेली चली छि बेली त माने कहि परिबो बहुत भलो भाबरे एवं कोन त माने आशा कर नथियो भाबी नथियो कंटेंट पिला माने इ क्लास रे त माने पाई परिबो जदी जॉइन करियो चाहौछ बहुत मिनिमल कॉस्ट अछि गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन टिकु डाउनलोड करिकि जॉइन करि परिबो आजि जो मानकर सीजीएल मेंस हेछि पिला माने निहात रूपे जोडो एवं बेनिफिशियरी त मानको पई रहिबो चलो जिबा ताले क्वेश्चन को पिला माने हमें जुठी थिले चलो बस टिके त मानको जानिबा पई कहि दबा कथा एटा सल्ला त मानक चलो द नोबेल द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस कोन लिखिला द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस को बही को के लिखिथिले पिला माने जेके रोलिंग लिखिथिले किरण देसाई लिखिथिले रविन शर्मा लिखिथिले ना अरुंधती रॉय लिखिथिले के लिखिथिले पिला माने द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस रो कथा बही त के लिखिथिले से बही त को अरुंधती राय लिखिथिले बोली कहि परबो तमे समस्त जानि छ अरुंधती राय को पिला माने आ कोन कहि परबो कि रे अरुंधती राय को होचंती हम भारत रु ना प्रथम बुकर्स अवार्ड पाइचंती बुकर्स प्राइज पाइचंती बोली कहि परबो बुकर्स वार्ड पर बुकर्स प्राइज पाइछन सेटा को बही पई हमरो बुकर्स अवार्ड पाइले मन रखि त से बही रो ना गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पिला माने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पाइ से भारत तरफ रु भारत पाइ प्रथम बुकर्स अवार्ड पिला माने विजय नि हेचंदी बोली कहि पर चलन त आगु जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस कोटा सबटारु द्वितीय अबंडेंट गैस पिला माने अधिक परिमाण अछि एटमॉस्फेयर रे पिला माने बहुत सारा गैस होरी के छि पिला माने हमर गुटे गैसियस पिंड बोली कहि परबा एटमॉस्फेयर टाकु ताले सबटारु अधिक की अछि सर नाइट्रोजन अछि ना सर सल्फर डाइऑक्साइड अछि ना सर कार्बन डाइऑक्साइड अछि ना सर ऑक्सीजन अछि का कथा कहिबा द्वितीय अबंडेंट गैस रो कथा कहि छि सर ऑक्सीजन होछि सबटारु अधिक बोली कहि परबा सर केते प्रतिशत ऑक्सीजन अछि सर 21% 21% अछि बोली त माने कहि परबो 21% अछि बोली कहि परबो जदि हाईएस्ट कथा बा फास्ट कथा पचार थांदा त माने एटी कहि पार थांदा नाइट्रोजन होछि प्रथम स्थान रे अछि एटमॉस्फेयर रे सबटारु अधिक पिला माने नाइट्रोजन अछि सर केते प्रतिशत अछि 78% पिला माने हमर नाइट्रोजन अछि बोली कहि परबो क्लियर हला चालन त आगु बढिबा who is the author of book the discovery of india sir discovery of india ra lekhak sir abul kalam azad likhichanti sir mahatma gandhi likhichanti jawaharlal nehru likhichanti na sir rajendra prasad likhichanti exam re asila bhaliya question pila man jaldi likho discovery of india sir discovery of india sir jawaharlal nehru likhichanti option d will be the right answer kon hobare option d hobo sathik uttar pila apane au ta beti to au kon likhichanti sir jawaharlal nehru au likhichanti meri kahan मेरी कहानी रो कथा कहि परबो मेरी कहानी नाम को उठी बही लिखिसन बेली कहि परबो ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पिला माने ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री मध्य जवाहरलाल नेहरू लिखिसन बेली कहि परबो महात्मा गांधी कर त अतुलनीय बही अछि राजेंद्र प्रसाद को पचादि पाए पिला माने इंडिया डिवाइडेड रो कथा कहि परबो का कथा इंडिया डिवाइडेड रो कथा कहि परबो राजेंद्र प्रसाद के मने पुरुष रे हम भारत रो प्रथम राष्ट्रपति को कथा कहि परबो चलन त आगु को जिबा द फेमाइन ऑफ 1866 मसिया रे गुटे दुर्भिक्ष पडिथिला कहार नाइन्थ रीजनल कहार शासन रो नवम वर्ष एही दुर्भिक्षटी पडिथिला जहाको आमे नंक दुर्भिक्ष नाम रे जानिछे मन रखित ए जो नंक दुर्भिक्षटी 1866 रे 1866 मसिया रे पडिथिला मुकुंद देवंक समय रे राजेंद्र नारायण भंजदेवंक समय रे दिव्य सिंह देवंक समय रे रामचंद्र देवंक समय रे जल्दी जल्दी को कहा समय रे कहार शासन रो नवम वर्ष 1866 मसिया रे नंक दुर्भिक्ष पडिथिला बोली कहि परबो का समय रे सर महाराजा दिव्य सिंह देवंक समय रे ऑप्शन सी हबो सटीक उत्तर 1866 रे 1866 मसिया रे नंक दुर्भिक्ष पडिथिला पिया माने अबहला पई त मुख्यतः पिया माने आमे कहि परबा ए जो दुर्भिक्षति पडिथिला एटा मनुष्य कृत्य थिला बोली कहि परबो जोति पई हमर ओडिसा उपर अबहला कर देता ता पर सरकारन कर निद भांगिला से समय रे सरकार के सर इंग्रज सरकार एवं सेतबेले इरिगेशन पई ए आर रिजल्ट रे पिया माने हमर पुरी केनाल खुला आइथिला
पुरी केनाल पिला माने जो पुरी केनाल अछि ना पुरी केनाल को इरिगेशन पई तयारी कर देतला बोली तम माने कहि पारिबो पिले चालन त आगु को जीवा व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइलैंड आर ऑफ कोरल ओरिजिन कोटा पिला माने कोरल लुटियारी छि कोरल लुटे आगु जाउ हमें कोन कहि परिबा हमें एनवायरमेंटल इंडिकेटर बेली मथे कहि थै पिला माने कोरल लुटा के रहिछि श्रीलंका लक्षद्वीप मॉरिशस अंडमान निकोबर कोटा कहि परिबा हम भारत भीतर लक्षद्वीप पर कथा कहि परिबा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर एथरे 25 टी स्मॉल आइलैंड छोटो छोटो 25 टी आइलैंड नै कि पिला माने के रहिछि बोली त माने कहि परिबो 9 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल कथा त माने मन रखी परिबो आगु को जीवा Who became first para-athlete to receive Padma Bhushan Award? Bharatara Prathama para-athlete. Pila mane amara kona? Prathama para-athlete. Para-athlete ra kotha kahi paribo. Ame kie paithile? Si paithile Padma Bhushan paichhi. Recent time re paithile pila mane. Bhavina Patel, Devendra Jhajaria, Deepika Mallik, na Mariana Thangewale. Kie paithile? Sa Devendra Jhajaria boli kahi paribo. Ama Odisha ra madhyam prathama boli kahi paribo. Jehetu se bahar thile madhyam Odisha ra रिप्रेजेंट करछन्ति सेति पय हम उड़ीसा कथा तांकु मध्ये कहि परबा प्रथम पारा थिले चलंतु आगु को जीवा इन व्हिच इंडियन स्टेट ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक विल ओपन इट्स फर्स्ट रीजनल ऑफिस इन इंडिया भारत रे ब्रिक्स बैंक अछि पिला माने न्यू डेवलपमेंट बैंक जहाक हमें एनडीबी बोली कहिते जहाक हमें एनडीबी बोली कहिते एनडीबी रो प्रथम रीजनल ऑफिस कोठी खोलिबा को जाउछि कर्नाटक रे तेलंगाना रे महाराष्ट्र रे ना गुजरात रे कोठी खोलिबा को जाउछि सर गुजरात रे खोलिबा को जाउछि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर तमानु जदि पचारिबो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक रो हेड क्वार्टर मुख्यालय कोठी छि सर संघाई चाइना रे कथा कहि परबा संघाई चाइना रे कथा हमें कहि परबा संघाई चाइना रे कथा कहि परबा जोठी अछि चलंतु आगु को जीबा कोठी ओपन होछि गुजरात रे ओपन होछि बेली कहि परबा गुजरात रे परवर्ती क्वेश्चन द चिलिका लेक स्प्रेड अक्रॉस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट चिलिका लेक रे कथा पचारला चिलिका लेक रे कथा पचारला पिला माने संपूर्ण भारत रो सबुठरु बड़ ब्राकिस वाटर लागून न कथा कहि परबा का कथा कहि बारे ब्राकिस वाटर लागून न कथा कहि परबा ब्राकिस वाटर लागून न कथा कहि परबा आउ कोन मन रखि परबा चिलिका बाबत रे तळ कहि परबा सर उड़ीसा त निहात रूप रे बड़ हबो जदी इंडिया रे बड़ कहउछन्ती सर उड़ीसा रे मध्यम तले बड़ हबो पिला माने गुटे लागून रो कथा हमें कहिले सर केते किलोमीटर रे पिला माने ता ये हे कि अछि मन रखि त 1100 स्क्वायर किलोमीटर 1100 स्क्वायर किलोमीटर गुटे एरिया रे पिला माने परिधि रे व्यापी कि अछि बेलि कहि परबो कोठी अछि कोलाहांडी रे अछि जाजपुर रे अछि देवगढ़ रे अछि नाइ सर पुरी खुर्धा गंजाम रे अछि कटक बालेश्वर गंजाम रे अछि सुंदरगढ़ कोरापुट खुर्धा रे अछि कोठी अछि सर पुरी खुर्धा गंजाम रे अछि बोली हमें कहि परबा ऑप्शन बी हबो सटीक उत्तर मन रखि त सबठू बड़ कथा रामसर साइट पिला माने हम भारत रो तथा उड़ीसा रो सर्वप्रथम रामसर साइट रो मान्यता पाइतला केबे 1 अक्टूबर 1981 रे जदी ओ आजि प्ले हमर अलग लिस्ट को पलै छि रिट्राइव हे जे छि 2018 रु रिट्राइव हे जे छि चिलिकाटा पिला माने किंतु भारत रो सर्वप्रथम तथा उड़ीसा रो सर्वप्रथम रामसर साइट रो मान्यता पिला माने चिलिका पाइछा बोली त माने कहि परबो आगु को सर चलंतु द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम ओ जागरु बाबू डाइजेशन प्रोसेस हजम प्रक्रिया हजम क्रिया ह्यूमन शरीर रे मनुष्य शरीर रे कोट स्टार्ट हिता सर स्टोमाक रु स्टार्ट हिता कि सर ओसोफोगेस रु स्टार्ट हिता कि सर माउथ रु स्टार्ट हिता कि ना ड्यूटेनम सर हमें जो पटे खाउ छे मो खाद्यटा नेली सर पाटी रे पसेली तो कोट स्टार्ट हो रे सर माउथ रु स्टार्ट हो बोली कहि परबो सर हम पाटी रे लाळ अछि पिला माने जहा को जो थ्रू कोन बाहर थे सर सालिवा सालिवा अछि ए सालिवा रु सर कोन भारिबो सालिवा रु सालिवारी अमाइलेज भारिबो कोन भारिबो सालिवारी अमाइलेज भारिबो जे खाद्य को ये करथाय बोली कहि परबो डाइजेस्ट करिवारे सहाय्य करथाय बोली कहि परबो बा ये ब्रेक्स करथाय कोथरे सर ब्रेक करिवो सर ये सुगर रे ब्रेक करिवो सर फूड को जे ब्रेक करथाय सुगर रे से होच हमर सालाइवरी अमाइलेज बोली कहि परबो से तापर स्टोमाक जिवो स्टोमाक रु स्मॉल इंटेस्टाइन जिवो बोली त माने कहि परबो स्मॉल इंटेस्टाइन ने जिजोनम इलुलम एके हमर अछि बोली त माने कहि परबो पिले क्लियर हला सेमते आउ गुटे क्वेश्चन पचेरि पारे हमर कोन पचेरिवो त मानकु सर बाइल जूस के सीक्रेट करथाय बाइल जूस के सीक्रेट करथाय सर बाइल जूस को के सीक्रेट करथाय बाइल जूस को हमर लिवर सीक्रेट करि बाइल जूस को के सीक्रेट करिवो रे बाइल जूस को लिवर सीक्रेट करिवो बाइल जूस को लिवर सीक्रेट करिवो बोली कहि परबो आगु को बढिबा कि सर चलन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डे सेलिब्रेट ऑन 2nd अक्टूबर एवरी ईयर प्रतिवर्ष द्वितीय अक्टूबर को एटा तमानकर कमेंट सेक्शन रो काम एटा तमानकर कमेंट सेक्शन रो काम बा होमवर्क बोली कहि परबो समस्ते जो माने फर्स्ट टू लास्ट पर्जन देखिलो क्लास केमिति लागिला काहे कि ना ए एमसीक्यू रो सेशन बहुत दिन परे त माने पुनश्च देखिबा को पाउछ जदि त माने ठीक शेयर कर दल एटा शेष क्लास थिला ना एटा त मान पर क्वेश्चन थिला ना ना आउरी छि आउरी छि चल हो एटा त मान कर कमेंट सेक्शन रो काम त माने समस्त कमेंट करि आउरी अछि पिला आगु को बढिबो पिला
which one of the following language is designated as the classical language of India? भारतर classical language रूपरे मान्यता किए पाई बोली तुमको पचार तमिल पाई गुजराती पाई हिंदी पाई मराठी पाई बोली कहीपर किए पाई पे मन रखी तो सब लाटेस्ट क्लासिकाल लांगुएज मान्यता पे आमर ओडिया पाई जदि तुमको ये पचार था सर लांगुएज रहा कौन क्या कथ कौन भाषार कथ कौन मत कहले यहाँ कौ सीड्यूल पे वर्णना करा कौ सीड्यूल वर्णना कर मन रखी तो सीड्यूल नंबर आठ रेट सीड्यूल आम भाषार कथ वर्णना करी एटी क्लासिकल लैंग्वेज रो कथा कुआ जाए एटी क्लासिकल लैंग्वेज रो कथा कुआ जाए लाटेस्ट थिला उड़िया रो कथा कही पारिबो क्लासिकल लैंग्वेज पिला माने सर्वप्रथम कानाडा रो कथा आसीबो रि कानाडा परे मलयालम रो कथा आसीबो रि मलाया लम रो कथा आसीबो रि बोली कही पारिबो कानाडा मलयालम संस्कृत रो कथा आसीबो रि बोली कही पारिबो संस्कृत रो कथा देन तमिल रो कथा तुम माने कही पारिबो देन तेलुगु रो कथा तुम माने कही पारिबो तीन दुई पांचटा हो गला एवं लाटेस्ट हूँ उड़िया रहा कथा तुमने कहीपर ताल ये कौटा हो मत कह सर तमिल हिंदी मराठी गुजराती ताल सर ऑप्शन ए हो सठिक उत्तर ऑप्शन ए हो सठिक उत्तर ये छ गोटी भाषा सर जो क्लासिकल लैंग्वेज कथा आसे क्लासिकल लैंग्वेज छ गोटी बोली कहीपर क्लासिकल लैंग्वेज आम छ गोटी बोली तुमने कहीपर जावा आग को चलतु हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस सर भारतीय जातीय कांग्रेस कथा आसला पुणा पिला मुहूर्त थी गाई चल कमेंट सेक्शन रे प्रथम इंग्लिश प्रेसिडेंट हेनरी कटन आलन एक्टेवियन ह्यूम विलियम वोडबर्न जॉर्ज प्रथम आमर इंग्लिश प्रेसिडेंट रहा कही अध्यक्ष कथा पचारे पिला कि करते अलग कथ अध्यक्ष सी ही नांती आम एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम जड़े पक्षी विज्ञानी थे जड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे जड़े प्रशासनिक अधिकारी थे द्वारा तैयारी कर सत किंतु प्रथम इंग्राजी प्रेसिडेंट कथा यदि पचारे सी होते जॉर्ज ओरवेल हो ऑप्शन डी हो सठिक उत्तर चलो टी आलोचना आम टी करदे यूर कौन क्वेश्चन आसपा सर भारतीय जातीय कांग्रेस मुझ प्रथम प्रेसिडेंट कथ कहीदे परवर्त समय कहबी बाईदे सर 1885 मसीह 1885 पे या क्या प्रयास या आलेन ऑक्टेवियन ह्यूम पे आलेन ऑक्टेवियन ह्यूम जड़े पक्षी विज्ञानी जहाँ ऑर्निथोलॉजिस्ट पे कह जाए तथा से जड़े प्रशासनिक अधिकारी थे इंग्रेज सरकार समय तुमने कहीपर द्वारा तैयारी करपर एवं प्रथम अध्यक्षटी प्रथम ईटा पे आम गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज रे पिलामने हेथिला बोल तमाने कहि परिबो जोथरे पिलामने उमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्षता करथिले प्रथम अध्यक्ष के गेले उमेश चंद्र बनर्जी आउ एही अधिवेशन रे 72 जन डेलीगेट बा 72 जन सदस्य 72 जन मेंबर पिलामने प्रेजेंट थिले बोल तमाने कहि परिबो चलो आमे इंग्लिश रो कथा जानि देले एठी प्रथम प्रेसिडेंट को कथा जानि देले केबे तयारी हेथिला जानि देले बोल तमाने कहि परिबो आउ ई भारतीय जातीय कांग्रेस से तुले तयारी हेथिला से समय रे वाइस रे पिलामने के थिले जे तमानकु चारिबो हु वाज द वाइसरॉय एट दैट टाइम सर डफरिन थिले वाइसरॉय के थिले रे लॉर्ड डफरिन थिले वाइसरॉय चालंतो आउ टिके भितर को जिबा आउ टिके आलोचना करिबा सर मजा आसु भारतीय जातीय कांग्रेस कथ तमानको इटी इंग्लिश रो पचाला मु तमानको इटी पचारिबी प्रथम मुस्लिम किए थिले सर बद्रुद्दीन तायुबजी थिले मन रखी था बद्रुद्दीन तायुबजी प्रथम मुस्लिम थिले बोली तुमने कही पारे मुझक पचारिबी प्रथम ओमेन किए थे मुझे कहनी से भारतीय हूँ सी आउटपुटर हूँ पे तेल कौन कह सर आनी बेसंत क्या कहीपर सर आनी बेसंत भारत नुहे कि ना आनी बेसंत हूँ आयरलैंड ये हूँ आयरलैंड महिला बोली आम कहीपर जो आम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी रहा नहींचे पे फास्ट आमर आउ होम रिल मूवमेंट पे होम रूल लीग मूवमेंट पे होम रूल लीग मूवमेंट जी पैन इंडिया लेवल ले, संपूर्ण भारत में कही जदि मुझे पचार था फास्ट इंडियान वुमेन बोले प्रथम भारतीय महिला देन तुमने खुशी खुशी कही पार था सर आम सरोजिनी नायडू को कथा आम कहीपर सर कौटा अधिवेशन कानपुर अधिवेशन के 1925 ठीक गोटे वर्ष पर कहार ना सर केवल आउ केवल केवल गोटे थर पर महात्मा गांधी ए प्रेसीडेन्सीप अध्यक्षता करे सर 1924 मसीह कौटी करनाटक बेलगांव नामक जगार महात्मा गांधी एकम्र अधिवेशन पे अध्यक्षता करते ये मन रखी थी जहाँ जहाँ कहली सब टे मन रखी थी परवर्त समय आम सुविधा पाइले आहरी आलोचना करवा चलत आगे जावा द हाइएस्ट पिक अफ सिमिलपाल हिल उच्चतम शिखर देवमाली होगा खिरीबुरु होगा महेन्द्रगिरी होगा मेघासन होगा सिमिलपाल सबुठ उच्चतम शिखर मन रखी तो
जदि ओडिसार पचारा तो मैंने देवमाली कथा कही पारिबो ओडिसार जदि पचारा आम देवमाली खुशी रे कही पारिबा ऑप्शन ए हे जीव सटीक उत्तर किंतु एठी सिमिलीपाळर पचारछि कोन कहिबा ऑप्शन बी हबो सटीक उत्तर खिरीबुरु होउछि आमर हाईस्ट पिक कोठरा सिमिलीपाळर बोली तो मैंने कही पारिबो सर देवमाळटी कोठी अछि देवमाळटी आमर कोरापुट अंचल रे देवमाळटी आमर कोरापुट अंचल रे अछि बोली कहि पारिबो कोरापुट अंचल रे बोली तो मैंने कही पारिबो सेमती आमर आरावली पर्वत जदि पचारा आरावली पर्वत पचारा आम समस्त आरावली पर्वत जाणीचे गुरुशिखरा हाइस्ट पिक किए सर गुरुशिखर कथा कही पार ये गुरुशिखरा पर्वत माउंट आबू नाम को गोटे स्थान अच्छे पे जो प्रसिद्ध दिल्लीवाला जैन टेम्पल अच्छी बोली तुमने कही पार सेमी जब तुमको पचार था वेस्टर्न घाटर पे सब उच्चतम शिखर क्या कथा कही था वेस्टर्न घाटर पश्चिम पर्वतमाला पश्चिम पर्वतमाला पश्चिम यपट सैड्र पेपट सैड्र पश्चिम पर्वतमाला पे कौन कह आनामलाईर कथा कही पार आनामलाईर कथा कह सर ये पश्चिम पर्वतमाला आप कहे सर यहाँ आम पूर्व पर्वतमाला सर पश्चिम और पूर्व पर्वतमाला जो जगार मिसिले से जगह को आम कौन कह सर को आम नीलगिरी बोली कही था यहाँ को आम नीलगिरी बोली कही था मन रखी थे जहाँ जहाँ कौच इफ एंड इच पॉइंट इज मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव पे चल आग को जी इन इंडिया हू एडमिनिस्ट्रेटर्स द ओथ ऑफ सीक्रेसी टू द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एबे जाइछि आसीबार बहुत संभावना अच्छी तुम राज्य देख लमें देश में देख ल प्रधानमंत्री को शपथ नंबर देख लमर मुख्यमंत्री को शपथ नंबर देख ल किए दे था पे जदि सिड्यूल कथ पचार कौ सिड्यूल आमर शपथ नंबर कथ कई कौ सिड्यूल पे शपथ नंबर कथ कई सर सिड्यूल नंबर आमर दुई नंबर सिड्यूल दुई नंबर सिड्यूल पे कई पार दुई नंबर में कौथे कई दुई नंबर सालेरी कथ कई दुई नंबर सालेरी तीन नंबर कथ कर चल आग को जीवा पद एवं गोपनीयतार कथा पद एवं गोपनीयतार कथा किए दे था किए दे सर महामहिम राष्ट्रपति देले अर्थात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देले बोली तो माने कही पार आग को बढ़िया चल जदि ये स्टेट सीएम को कथा पचार था किए दे सर ये गवर्नर देले पार गवर्नर देले पार आम गवर्नर किए अच्छा सर रघुवर दास अच्छी पार आम मुख्यमंत्री किए अच्छा सर श्रीजुक्त मोहन माझी अच्छा तो मैंने कही पार आग को बढ़िया चलत हु इनभेटेड जेरोग्राफिक प्रोसेस प्रति कथा चल टे जेरस करदे चल टे प्रिंट बाहर करदे सर मुझ प्रिंट बाहर कर पारे आप पीडीएफ रहा कौटा सर जेरोग्राफिक प्रोसेस को किए बाहर कला किए बाहर कला से क्वेश्चन सर आम चेस्टर कार्लसन नामक जन व्यक्ति ऑप्शन ए हूँ सठिक उत्तर ये कार्लसन नामक व्यक्ति जी कि आम कौन बाहर करते सर जेरोग्राफिक प्रोसेस अर्थात जेरक्स प्रोसेस प्रतिबिंब प्रति छबि कथ आम कही आगे जावा हू अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किए संविधानिक परामर्शदाता थे केतबले बाबू ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो गढ़ा होता संविधानिक सभा जो गढ़ा होता आलादी कृष्णास्वामी आयगर थे सर बीएन रॉय थे ना बीआर आंबेडकर थे ना जवाहरलाल नेहरू थे सर किए थे ना आमर बीएन राव को कथा कही पारा ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर ये हूँ परामर्शदाता थे सर चेयरपर्सन जदि किए पचार था जदि तुमको चेयरपर्सन चेयरमैन किए थे पचार था आम तेल कौन कर अध्यक्ष असेंबली जो आम गढ़ाजी गढ़ाई पे से चेयरपर्सन सर डॉक्टर बीआर आंबेडकर थे डॉक्टर बीआर आंबेडकर थे तुमने डॉक्टर बीआर आंबेडकर थे सेम जब पचार बीआर आंबेडकर को आर्टिकल को संविधान हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते सर आर्टिकल नंबर 32 को बोली कहते सर कौटी को नोबेल फीचर बोली कहते संविधान नोबेल फीचर बोली कहते पे तुम मानक पचार नोबेल फीचर क्या नोबेल फीचर बोली कहते तुम मैंने कौन कही था नोबेल फीचर क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी कथ आम कही पार उठे पार आग को बढ़ा सर व्हिच कंट्री विल होस्ट 2024 समर ओलंपिक किसी दिन अंतराल पे आम समर ओलंपिक देखा पाइबा आम खेला भल प्रदर्शन करें आशा रखा पे ये पचारा समर ओलंपिक कौटी खेल हम इंडिया रे इंग्लैंड रे फ्रांस रे कतर कौट खेल सर प्यारिश फ्रांस रे खेला तुमने प्यारिश फ्रांस रे खेला क्लीयर है चलत आगे जावा हु अमंग द फॉलोइंग वाज इंडिया फास्ट फॉर्मूला 1 ड्राइवर जी कि भारतर प्रथम फॉर्मूला 1 ड्राइवर बोली तुमको पचार जेहेन दरुवाले नारायण कार्तिकेन सेबास्टियन भेटले करुण चंदकर किए पिला इंडिया रो प्रथम फॉर्मूला 1 ड्राइवर पे किए हेगले नारायण कार्तिकेन रहा कही पार ये हूँ तमिलनाडु जन व्यक्ति तमिलनाडु जन व्यक्ति कथा तुमने कही पार आगे बड़ पे वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात यूनेस्को
हेडक्वार्टर सार कौटी अच्छी हेडक्वार्टर कौटी अच्छी बोले तुमने कहींपर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोले सरी यूनेस्को पे यूनेस्को मुख्यालय हेडक्वार्टर कौट अच्छे जल्दी कह मुझे कौट लिखाई हाइकोर्ट एस बोली तुम्हारा इम्पोर्टेंट कौटी अच्छे भी कौटी अच्छे बोली कह जल्दी जल्दी कह तुमने कहींपर कौटी अच्छी सर आम पेरिस फ्रांस जो खेल जाठी सर आम अच्छी तुमने कहींपर कौटी खेल सर आम पेरिस फ्रांस मुख्यालय अच्छी तुमने कहींपर कौटी अच्छी पेरिस फ्रांस अच्छी ऑप्शन ए हो सठी उत्तर पेरिस फ्रांस मत जल्दी जल्दी कह आम ओडिशा रे गोटे मात्र यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अच्छी ओडिशा रे केतोटी अच्छी ओडिशा रे गोटी अच्छी बोली कहीपर से कौन सर कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर जहाँ को तैयारी करते लांगुड़ा नरसिंह देव मान्यता के 1984 मसीह मान्यता पाई तैयारी के 1238 रु 1250 पर्यंत 12 वर्ष समय 1200 बढ़ई 12 वर्ष बालक धर्मा द्वारा यहाँ को निर्माण कर आगू बढ़े बाबू हू अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द स्वदेशी स्टीम नाभिगेसन कंपनी कहा द्वारा स्वदेशी स्टीम नाभिगेसन कंपनी केवे तैयारी कर 1966 मसीह कहा द्वारा बाल गंगाधर तिलक भी ओ चिदम्बरम पिलाई श्री अरविंद द्वारा सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा मन रखित भी ओ चिदम्बरम पिलाई द्वारा स्वदेशी स्टीम नाभिगेसन कंपनी आरंभ कर आगक बढ़िया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एक्जिम बैंक पूरा नाम टी कौन जोटा भारत गोटे फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एक्सपोर्ट इंपोरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूशन बैंक ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इन्वेस्ट बैंक ऑफ इंडिया ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्जिम बैंक ये निरंजन उपर काम करें अर्थात आम कहींपर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया खाईपी खाली शोपट में प्राक्ट कर आसिकी जी ये करना परिश्रम टी कर तुमने जब तू पचारा हेडक्वार्टर कौटी हेडक्वार्टर बाबू मुंबई में हेडक्वार्टर कौटी हेडक्वार्टर सार मुंबई में अच्छी स्वप्न नगरी मुंबई में आगे बढ़तु हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ पोएम बंदीर आत्मकथा बंदीर आत्मकथार पोएट रो अथर किए थे अथर किए थे पे मधुसूदन दास गोदा कौन टेपटे चल गोदावरीश मिश्र पंडित मधुसूदन दास गोदावरीश मिश्र उपेन्द्र भंज गोपबंधु दास किए पे बंदीर आत्मकथार अथर थे तुमको पचार किए थे आम गोपबंधु दास कथ कह कौन कह जाए जुएल अफ ओडिशा कहुए जुएल अफ ओडिशा उत्कलमणि गोपबंधु दास को उत्कलमणि आख्या किए देते भाई जुएल आख्या सर पीसी रॉय प्रफुल्ल चंद्र रॉय पंडित प्रफुल्ल चंद्र रॉय देखिए तुमने कहींपर पे आउ ये कौन ओडिशा रो यूपीसीसी गढ़ाला उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी गढ़ाला ये प्रथम प्रेसीडेट थे तुमने कहींपर ये आम प्रथम प्रेसीडेट थे तुमने कहींपर आंकई द्वारा 1909 मसीह सत्यवादी बकुल वन विद्यालय को निर्माण कर तुमने मन रखिपर है तापर 1919 मसीह 10 वर्ष पर समाज नामक खबर कागज आंकई द्वारा प्रकाश पाई जोटा दैनंद चली कहीपर आगक बढ़िया चल बहुत सारा लिखिंट पे जेल थी बंदीर आत्मकथा कहीपर माम ये कथा कहीपर पे चल आगक बढ़िया विच अफ दि फलोईंग टू रिभर जयन देवप्रयाग देवप्रयाग रहा कही साउथ आफ्रिकार गोटे खेला जान थो समस्त से प्रसन्दिता खेल पे एबिडिलर्स एबिडिलर्स सब जो ये जो रिभर जो कथ आसेना ना आपको आम बाबू कौन कही था पंचप्रयाग बोली कही था पंचप्रयाग पांचटी नदी मिशिंटी कहा सहित मिशिंट अलकानंदा अलकानंदा सहित मिशिंट आउ गोटे नू नदी ये करमने कहींपर अलकानंदा अलकानंदा कहा सहित मिसी कौन करो जगार मिशिंट अलकानंदा सहित मुझको जमी कह अलकानंदा कमन बाबू होगा प्रथम टी मन रखी थी एबिडिलर्स साउथ आफ्रिकार प्रसिद्ध बैट्समैन आउ समस्त चाहिदा बैट्समैन पे अलकानंदा सहित भागीरथी मिसीगला भागीरथी मिसीगला भागीरथी मिसीगला कौन है ये आसला बी आसला आरी कौन होठ मिसो देवप्रयाग खोज पिले अलकानंदा भागीरथी सर ऑप्शन सी आखि मुझे आम मारिद ए बी डी अलकानंदा भागीरथी मिसीबे देवप्रयाग देवप्रयाग मिसीबे चल आउ गोटे सर कहतु सर अलकानंदा पे देहे मंदाकिनी रज लगाई देहे मंदाकिनी रज लगाई बा कर्णर कथा कहीपर कर्ण पिंदार कथा कहीपर सर अलकानंदा सहित जो पिंदार मिसीज से सर कौट
କୋଉଠି ମିଶିବ ପିନ୍ଦାରରେ ମିଶିବ ପିଲାମାନେ ପିନ୍ଦାରରେ ହେଇଗଲେ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅଳକାନନ୍ଦା ପିନ୍ଦାର ହେଇଗଲେ ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣପ୍ରୟାଗ ହେଇଯିବ ତେ କର୍ଣ୍ଣପ୍ରୟାଗର କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ସେମିତି ନନ୍ଦା ଅଳକାନନ୍ଦା ସହିତ ନନ୍ଦାକିନି ମିଶିବ ନନ୍ଦାକିନି ନନ୍ଦାକିନି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତ ଇଜି ହେଇଯିବ ସାର୍ ନନ୍ଦ ପ୍ରୟାଗ ହେଇଗଲା ନନ୍ଦ ପ୍ରୟାଗ ହେଇଗଲା ଚାରି ନମ୍ବରରେ ଅଳକାନନ୍ଦା ସହିତ ମନ୍ଦାକିନି ମନ୍ଦାକିନି ପିଲାମାନେ ଦେହେ ମନ୍ଦାକିନି ରଜ ଲଗାଇ ମନ୍ଦାକିନି ହେଲେ ଆମର କାହା କଥା କହିପାରିବା ମନ୍ଦାକିନିର ରୁଦ୍ରଙ୍କ କଥା କହିପାରିବା ରୁଦ୍ରଙ୍କର କଥା କହିପାରିବା ରୁଦ୍ରଙ୍କର କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ସେମିତି ଧଉଳିରେ ପିଲାମାନେ ଧଉଳି ଭିତରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପିଲାମାନେ ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଷ୍ଣୁ ଶୟନରେ ପିଲାମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବ ତାହେଲେ ଅଳକାନନ୍ଦା ସହିତ ଧଉଳି ଗଙ୍ଗା ମିଶିଗଲା ଧଉଳି ଗଙ୍ଗା ମିଶିଗଲା ଧଉଳି ଗଙ୍ଗା ମିଶିଗଲା ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା ବିଷ୍ଣୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ତ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୟାଗ ହେଇଗଲା ଆଉ କେବେ ଭୁଲିବନି ପାଞ୍ଚ ଥର ଛଅ ଥର ଆମେ ଯେତେ ଥର ପାରିବା କରିଦେବା ଡେଲି ଆସ ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଅଧଘଣ୍ଟେ ଚାଳିଶ ମିନିଟର କଥା ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଏତେ କଥା କେହି କହିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଖିକି ଦେଇଦେଲି ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡେ ଅବଜର୍ଭଡ୍ ଅନ୍ 31 ଅକ୍ଟୋବର ଏଭ୍ରି ପ୍ରତିବର୍ଷ 31 ଅକ୍ଟୋବରର ଦିବସକୁ ଆମେ କୋଉ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ କଥା ପିଲାମାନେ 31 ଅକ୍ଟୋବର 31 ଅକ୍ଟୋବର ସାର୍ 31 ଅକ୍ଟୋବର କୋଉ ଦିବସ ସାର୍ ସାଇନ୍ସ ଡେ ନା ଆର୍ମ ଫୋର୍ସ ଡେ ନା ୟୁଥ୍ ଡେ ନା ୟୁନିଟ୍ ଡେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା 31 ଅକ୍ଟୋବର ପିଲାମାନେ କାହାର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ସାର୍ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ସାର୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଲୌହ ମାନବ ବୋଲି କହିଥାଏ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତକୁ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିବାରେ ଯାହାର ଅତୁଳନୀୟ ଭୂମିକା ଥିଲା ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ଡେ ୟୁଥ୍ ଡେ ସାର୍ କାହାର ସାର୍ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ପାଳନ କରିଥାଏ 12th ଜାନୁଆରୀକି ପାଳନ କରିଥାଏ ସାର୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭୋଟର୍ସ ଡେ କେବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭୋଟର୍ସ ଡେ କେବେ ଭୋଟର୍ସ ଡେ ସାର୍ 25 ଜାନୁଆରୀ 25 ଜାନୁଆରୀକୁ କାହିଁକିନା 25 ଜାନୁଆରୀ 1950 ଦିନ ଆମର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଛି ନା ସେଇଟାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ ସୁକୁମାର ସେନ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଆଉ ତାପରେ ତମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରି ପାରେ ଆର୍ମି ଡେ କେବେ ପଚାରି ପାରେ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଛି ପିଲେ ହୋମୱାର୍କ ହିସାବରେ ତମମାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ନେଉଛି ତମମାନଙ୍କୁ ହୋମୱାର୍କ ହିସାବରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଆଉ କେବେ ସମୟ ମିଳିଲେ ଆମେ ପୁନଶ୍ଚ ଆଲୋଚନା କରିବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏଇଠି କୋଉଠି ଥିବ ତମମାନଙ୍କୁ ହୋମୱାର୍କ ଯୋଉଟା ଦେଲି ଏଇଟା ହଉଛି ହୋମୱାର୍କ ପିଲାମାନେ 2nd ଅକ୍ଟୋବର ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ନିହାତି ରୂପରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଆଉ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ ଯୋଉଥିରେ ତମମାନେ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁର ସେସନ୍ ଦେଖୁଛ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ସହିତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ତମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ରୂପରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ତମମାନେ ଜଣେଇବ ଆଜିର ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡିର ସିଜେଲ୍ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଚାଲିଛି ଶିବାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କ ଇଏରେ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଅଛି ଯଦି ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛ ନିହାତି ରୂପରେ ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ଟିକୁ ନେଇପାର ଏବଂ ଟିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଟ୍ ପିଲାମାନେ କନ୍ସାଇଜ୍ ଓରେ କୌଣସି ବକବାସ ନାହିଁ କନ୍ସାଇଜ୍ ଓରେ ପିଲାମାନେ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ମାଟେରିଆଲ୍ ସହିତ PDF ସହିତ ସବୁକିଛି ତମମାନେ ପାଇପାରିବ ଆଉ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ବା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିହାତି ରୂପରେ ତମମାନେ ପିନ୍ରେ ପାଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ସେସନ୍ଟି ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ରୂପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ପିଲାମାନେ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଚାଲ ବଢ଼ିଚାଲ ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ସେସନ୍ରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରାମ ରାମ ରାଧାରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ